चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस कारपेट को बनाने के लिए देखिए इस तरीके से बचे हुए कपड़े के पीसेज होते हैं, जिससे सूट के साइड में से बच जाता है। वैसे हमारे पास छोटे छोटे पीसेज होते हैं, देखिए सूट के साइडों में से बचे हुए कपड़े के टुकड़े हैं इस तरीके से। या आपके पास कोई पुराना सूट है, पुराना सलवार है, पुरानी साड़ी है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे देखिए जो भी बचे हुए टुकड़े हैं इस तरीके से, जैसे सूट में से बचा हुआ है मेरे पास, इसमें से आपको हाफ इंच से कम 3/4 इंच, 1/4 इंच की इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। इसमें से कट कर ली, मेरे पास ये बचा हुआ है सूट का छोटा सा, इसमें से ये देखिए इस तरीके से 2, ये है मेरे पास थोड़ी सी कतरन बची हुई, 1/4 इंच की इस तरीके से हमें कतरने कट करनी है। अब हमें क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करने का एक मेथड बताती हूँ मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से। जैसे 1, 2 और ये 3 पीसेस मैंने ले लिए। पहले यहाँ पे नॉट लगा लीजिए एक, जहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ये नॉट लगाने के बाद इस तरीके से बस हमें इसमें ज्वाइन करते रहना है। ज्वाइन करने के लिए एक नया मेथड मैं बताऊंगी आपको, ज्वाइन कैसे करना है। देखिए सिंपल इसे इस तरीके से बनाइए, जैसे हम गुत बनाते हैं, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, 1, 2, 3। देखिए इस तरीके से पतली पतली ये बनेगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है, बिल्कुल लूज हैंड रखना है आपको इस तरीके से, देखिए, ताकि हमारी ज़्यादा थिक सी ना बने, थोड़ी सॉफ्ट सी बने इस तरीके से। तो बिल्कुल लूज हैंड रखते हुए हमें इसे बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारी पट्टी सी बनेगी। अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है। तो ख़त्म होने के बाद आपको ज्वाइन कैसे करना है, कोई भी स्ट्रिप, जैसे छोटी बड़ी स्ट्रिप है आपके पास, इस तरीके से इसके बीच में रखनी है यहाँ पे, ताकि हमारा इसके साथ ही आगे ज्वाइन हो जाए और हमें अलग से सुई और धागे से इसे ज्वाइन ना करना पड़े। देखिए इसी के साथ मैंने इसे आगे लगा लिया। अब मैं इसे बनाती रहूँगी। अब मेरा ये वाला ख़त्म हो गया, तो इससे कोई भी हो आपके पास, छोटी हो, बड़ी, किसी भी साइज़ की स्ट्रिप हो, इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसमें बीच में इंसर्ट कर लिया। देखिए इस तरीके से, तो ये मेरा ज्वाइन हो गया। ये इसी के बीच में हम इसे बुन देंगे, साथ में चोटी बना लेंगे इसकी। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से बराबर बनता रहेगा। तो जहाँ भी आपका इस तरीके से ख़त्म होता है, उसमें जितनी भी छोटी स्ट्रिप है, बड़ी स्ट्रिप है, जिस भी साइज की आपके पास, इस तरीके से उसमें ज्वाइन करते रहिए। तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो कहीं भी आपका जोड़ नहीं आता, कहीं से भी मोटा नहीं होता, बहुत ही अच्छी आपकी इस तरीके से डोरी बनती है। अब यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे अलग ज्वाइन करेंगे। एक और स्ट्रिप ले ली मैंने इस तरीके से, यहाँ पे से इस तरीके से बीच में घुमाते हुए ये मैंने इसके साथ इसे ज्वाइन कर लिया। अब हम इसे इसी के साथ बना लेंगे। ये देखिए, अब ये वाली खत्म हो जाएगी तो इसमें ज्वाइन करेंगे, ये खत्म हो जाएगी तो इसमें, इसी तरीके से ये लंबी लड़ी आपको बनाते रहे। ये देखिए इस तरीके से ज्वाइन करते करते मैंने ये पूरी, देखिए जो भी कलर मिला, छोटे स्वाचेस, बड़े स्वाचेस, इस तरीके से जोड़ के मेरी पूरी लड़ी इस तरीके से काफ़ी लंबी मैंने बना लिया। तो अब हम इसे आगे बनाते हैं। आगे हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले ये बनाना है और इसका एक गोला बना लीजिए। और हमें क्या चाहिए, इस तरीके से एक बेस चाहिए। बेस के लिए मैं बेडशीट यूज़ कर रही हूँ, आपके पास कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं स्क्वायर में ले रही हूँ, राउंड हम बाद में कट कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर से हमें शुरू करना है, ये जो हमने लड़ी बनाई है इस तरीके से, यहाँ सेंटर में से हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम इसे बीच में सेंटर में से सिलना शुरू करेंगे और इसे पूरा स्टिच करते हुए राउंड में इस तरीके से पूरा सिलाई मशीन से स्टिच करेंगे। तो चलिए हम इसे, यहाँ पे आपको 18 नंबर की नीडल लगानी है, क्योंकि ये जो हम स्टिच कर रहे हैं थोड़ा थिक है, इसलिए 18 नंबर की नीडल लगानी है। नॉर्मल सिलाई मशीन पर आप इजिली बना सकते हैं, उसी पर मैं बना रही हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं इसे। तो यहाँ से सेंटर में मैंने निशान लगा लिया, राउंड शेप हम बाद में देंगे। तो यहाँ सेंटर में इसे रखना है, ये जो फर्स्ट नॉट है इसे कट कर लीजिए।
नॉट को मैंने कट कर लिया, यहाँ से पहले से ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये खुले नहीं। ये मैंने ज्वाइन कर लिया, बस अब हम इसे राउंड राउंड घुमाते रहेंगे और सिलाई मशीन से इसे अटैच करेंगे। एंड करना बताती हूँ, तो जहाँ से भी आपने एंड करना है इसे कट करके अलग कर लीजिए इस तरीके से, जहाँ पे आपका मैट पूरा हो जाता है जितना बड़ा आपने बनाना है। ये मैंने इसे एंड कर लिया और इसे अंदर को करते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम इसे सिलाई से पहले पक्का कर लेंगे। तो इसे सिलाई से पहले पक्का कर लीजिए। तो जहां भी आपने बंद करना है आपको इसी तरीके से इसे क्लोज करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर लिया। अब जितना भी ये एक्स्ट्रा है इसे इसी राउंड शेप में, जो हमारा नेट बना है इसी शेप में इसे हम कट कर लेंगे। साइड में फ्रिंजेस ऐड करने के लिए देखिए जो हमने पहले स्ट्रिप्स कटिंग की थी इसी तरीके की हम स्ट्रिप्स इसमें यूज कर लेंगे। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 इंच जितने लंबे आप रखना चाहते हैं इस तरीके से हम इसमें से कट कर लेंगे कपड़े में से। ये देखिए इस तरीके से तो हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो कहीं से भी एक तरफ से शुरू कर लीजिए और हम इस पर पूरा सिलाई करके यहाँ से शुरू करेंगे और पूरा फिनिश हमें यहीं पे करना है वापस राउंड में आते हुए। मैंने सिलाई लगा ली, फिर थोड़ी दूरी पे इस तरीके से दूसरा रखा, इस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरे राउंड में यहाँ से शुरू करना है, राउंड में लगाते हुए यहाँ तक इस पे पूरे फ्रिंजेस लगा लीजिए। फ्रिंजेस लगाने के बाद ये हमारा मैट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप छोटे साइज में बड़े साइज में अपने अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। मशीन वॉशेबल है, आप इसे मशीन में वॉश कर सकते हैं। देखिए मल्टी कलर में बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन बनता है, इस तरीके से बनाने में बहुत ही आसान। तो अपने साइज के अकॉर्डिंगली आप इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा मैट बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बस इस पर फ्रिंजेस लगा लीजिए।